बैक टू दी टॉपिक ऑफ विलेंसी, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात हमने की थी। अब आपको अच्छे से पता लग गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे किसका डिपेंड करता है। जाहिर बात है हर एलिमेंट खुद ब खुद डिसाइड करेगा कि उसने कौन सी बॉन्डिंग में जाना है, कोवलेंट और आयनिक। अब अगर हम यहाँ पे बात करें विलेंसी फॉर दी सिंपल कोवलेंट कंपाउंड, तो उसमें क्या करेगा, अब वो बता रहा है कोवलेंट कंपाउंड मीन्स जो ज्यादातर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के साथ बन रहे होते हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बन रहे होते हैं। इट इज डिपेंड अपॉन दी कंबाइनिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ऑफ कंबाइनिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम, ठीक है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखें, क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था क्लोरीन है, तो इस केस में HCl केस में उसने वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। वाटर को देख लें तो वाटर में बेटा आपको अच्छे से पता है ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करवाई विद वन हाइड्रोजन वन इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड हाइड्रोजन सेकेंड इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने बेटा देखिए तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हुई है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 7। कितना है, 7। टू इलेक्ट्रॉन उसके इनर शेल में आ गए, आउटर इलेक्ट्रॉन में कितने आ गए, 5। तो अब ऑक्टेट को पूरा करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको चाहिए तकरीबन 3 इलेक्ट्रॉन। तो वो उसने किससे, 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए। सेम एग्जाम्पल फॉर मीथेन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसने रिमेनिंग 4 किससे पूरे किए हैं, अलग अलग हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके। इसी बेसिस पे इसकी वैलेंसी डलती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी इज द नेम ऑफ वैलेंसी, ठीक है। सो कंबाइनिंग कैपेसिटी क्लोरीन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है, कार्बन की 4 है, ठीक है। अब आपको यहां से अंदाजा हुआ कि वैलेंसी किस तरह से है और आपको वैलेंसीज याद भी करनी पड़ेगी फॉर योर कन्वीनियंस। अब अगर हम चलते हैं सिंपल आयनिक कंपाउंड्स में, यानी कि वो कंपाउंड्स जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की लूज और गेन की हुई है, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने गेन किए जा चुके हैं, जितने लूज किए जा चुके हैं, उसके बेसिस पे आपका वैलेंसी का नंबर डलेगा, ठीक है। प्रीवियस आपने डाला था कंबाइंड ऑफ हाइड्रोजन और बॉन्ड फॉर्मेशन पे, आयनिक कंपाउंड में लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे उसका डलेगा वैलेंसी का नंबर टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट। अब बेटा लूज और गेन किन किन टर्म्स के को फॉलोअप करते हुए होते हैं, अब आपने यहाँ पे ये चीज देखना है, अगर एक एलिमेंट ऐसा है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है या 4 से कम है, स्पेसिफिकली 4 में शेयरिंग होती है, लूज और गेन नहीं हो रहा होता, ये चीज आपने माइंड में बिठा के रखनी है। फॉर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मस्ट बी 3, 2 और 1, लेस देन 4, दिस इज द रूल, लेस देन 4, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो अपने वैलेंस शेल को फुल करने के लिए या स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है बेटा सोडियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की। सोडियम हैव 11 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 10, लास्ट शेल में 1 आता है। तो बेटा ये तो इम्पॉसिबल है कि सोडियम किसी से 7 इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर ले। बेटा कभी भी आप देखें शेयरिंग में इतनी सारी शेयरिंग भी नहीं होती और इतनी सारी गेनिंग भी नहीं होती। तो बेहतर है कि किसी से 7 इलेक्ट्रॉन की डिमांड करे, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद को इनर शेल की स्टेबिलिटी के साथ स्टेबल कर लेता है। मैग्नीशियम के आउटर मोशन में 2 आ जाते हैं, एल्यूमिनियम के आउटर मोशन में 3 आ जाते हैं। तो ये तीनों एलिमेंट खुद के इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेते हैं इन बॉन्डिंग, किसी भी किस्म की बॉन्डिंग में आ जाते हैं। अब अगर हम सोडियम की बात करें तो NaCl बनता है, मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनते हैं, एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनते हैं, ठीक हो गया। नाउ कब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जब एलिमेंट्स के पास 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। क्योंकि बेटा ये भी इम्पॉसिबल है कि जब आपके पास बहुत सारी चीज मौजूद है तो आप उसको सारे के सारे को लूज कर दें, तब आप प्रेफर करते हैं कि किसी के साथ या शेयरिंग कर ली जाए या उसे इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया जाए। यहां आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है बेटा नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, क्लोरीन की, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 3, ऑक्सीजन की 2, क्लोरीन की 1। किन बेसिस पे बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। आपको अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन के पास आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी के साथ या शेयर करता है या वो गेन कर लेता है। ऑक्सीजन भी इस तरह इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखता है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखता है। अभी हमने एग्जाम्पल देखी NaCl की, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से इनके नंबर्स ऑफ वैलेंसीज डाले जाते हैं कि इनके वैलेंसी के नंबर कितने हैं।